Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, आपका फ्रेंकी ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। आजकल के ज़माने में लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक होती है वो शायद किसी को मालूम होती है। तो आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आपको शायद ही मालूम होगी और आपको बहुत काम आएगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि माउस की स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो पहले आपको स्टार्ट मेनू में जाना है और उसमें जाने के बाद आपको सर्च करना है कि कंट्रोल पैनल। तो आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल पैनल, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बड़ा पेज खुलेगा, उसको आपको ऑल कंट्रोल पैनल में क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे माउस का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें क्लिक करना है। फिर आपको माउस प्रॉपर्टी खुलेगी, उसमें आपको पॉइंटर ऑप्शन में जाना है। फिर उसमें जाने के बाद पहला ऑप्शन आएगा सिलेक्ट अ पॉइंटर स्पीड, उसका आपको स्पीड स्लो भी कर सकते हो और फास्ट भी कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि स्पीड ये हमने स्लो कर दी, तो देखो ये पॉइंटर कैसे धीरे धीरे हो गया। तो फिर यहाँ पे जाते हैं और फिर स्पीड फास्ट कर देते हैं, ये हमने स्पीड फास्ट कर ली और फिर देखो ये कैसे फास्ट हो गया है। तो आप ऐसे ही माउस की स्पीड को स्लो कर सकते हो और फास्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे फास्ट करके फिर अप्लाई करते हैं और फिर ओके करते हैं। ट्रिक टू में हम आपको बताएंगे कि बिना रीनेम के फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको राइट क्लिक करना है, फिर उसमें न्यू में जाना है और फिर फोल्डर में जाना है। तो आपका फोल्डर क्रिएट हो गया है, इसका नाम है कि न्यू फोल्डर, उसको आपको कैंसिल कर देना है, यानी कि डिलीट कर देना है। फिर आपको लिखना है कि अल्टर स्पेस 255, ऐसा आप लिखोगे और फिर एंटर दबा देना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका नाम नहीं है लेकिन फोल्डर बन गया है। और आप ये आइकन को भी आप चेंज कर सकते हो, तो हम चेंज करते हैं। आइकन में जाने के बाद फोल्डर पे आपको क्लिक करना है, तो हमने क्लिक किया और उसमें प्रॉपर्टीज में जाना है। उसमें जाने के बाद आपको कस्टमाइज में जाना है और उसमें चेंज आइकन भी क्लिक करना है। उसमें बहुत सारे आइकन दिखेंगे और फिर आपको ये वाला आइकन क्लिक करना है और फिर ओके करना है और फिर अप्लाई और ओके। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि हमने यहाँ पे फोल्डर बनाया था वो भी नहीं है, वो भी गायब हो गया है। और आपको देखना है उसे तो आप इस तरह देख सकते हो। तो ये रहा फोल्डर हमारा, उसको हम ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। ट्रिक थ्री में बात करने वाले हैं कि फोल्डर या फाइल को हाइड और अनहाइड कैसे कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको माय कंप्यूटर में जाना है, उसमें जाने के बाद आपको लोकल ड्राइव पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ फाइल और फोल्डर दिखाई देंगे, उस पर आपको क्लिक करना है और फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ खोलना है। प्रॉपर्टीज़ खुल गई तो फिर यहाँ पे हिडन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है और फिर अप्लाई और फिर ओके। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे जो फोल्डर था वो भी नहीं रहा, वो भी हाइड हो गया है। तो हम उसको अनहाइड करने के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना है और फिर फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर व्यू में जाना है और फिर यहाँ पे शो हिडन फाइल फोल्डर एंड ड्राइव में जाना है और फिर यहाँ पे जाने के बाद अप्लाई और फिर ओके करना है। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि ये मैंने फाइल हाइड की थी वो अभी आ गई है, लेकिन ये अभी भी अनहाइड है, अभी हमको दिख रहा है। तो हमको इस पर राइट क्लिक करना है और फिर प्रॉपर्टीज़ खोलना है। तो यहाँ पे हम हिडन पे क्लिक किया था वो भी निकाल देना है और अप्लाई और फिर ओके करना है। तो ये वाली फाइल बाहर आ गई है। फिर हमको ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, यहाँ पे फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में, व्यू में, और फिर यहाँ पर फिर से डोंट शो हिडन फाइल भी क्लिक करना है और फिर ओके कर देना है। तो ये वाली फाइल हमारी हाइड हो गई थी वो भी आ गई है। तो ऐसे दोस्तों हम फाइल या फोल्डर को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ट्रिक फोर में हम बात करने वाले हैं कि फोल्डर का आइकन कैसे बदल सकते हैं। तो हम सीखते हैं। पहले आपको यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और फिर यहाँ पे न्यू में जाना है और फिर फोल्डर में जाना है। तो यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट कर दिया है और फिर ये फोल्डर पे जाकर उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और फिर प्रॉपर्टीज़ में जाना है। उसमें जाने के बाद आपको कस्टमाइज दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और फिर चेंज आइकन भी क्लिक करना है। यहाँ पे हम बहुत सारे आइकन दिखाई देंगे, उसमें आपको जो भी आइकन पसंद आए उस पर क्लिक करके फिर उसको ओके करना है और फिर अप्लाई और फिर ओके।
तो आप दोस्तों देख सकते हो कि आपका ये वाला आइकॉन पहले अलग था और फिर अलग हो गया है। इस तरह आप फोल्डर के आइकॉन को चेंज कर सकते हैं। ट्रिक 5 में हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर में पासवर्ड कैसे डालें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको विंडो पे जाना है, उस पर लिखना है कंट्रोल पैनल। तो ये आ गया है कंट्रोल पैनल, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे कंट्रोल पैनल खुल गया है। फिर हमको यहाँ पर जाकर ऑल कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है। तो आ गया ऑल कंट्रोल पैनल। फिर उसमें यूज़र अकाउंट में जाना है, ये रहा हमारा यूज़र अकाउंट। तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है। तो ये खुल गया यूज़र अकाउंट। तो यहाँ पे हमको पहले ऑप्शन आएगा कि क्रिएट अ पासवर्ड फॉर योर अकाउंट। तो यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमको पासवर्ड डालना है, तो हम डालते हैं पासवर्ड 1234। फिर यहाँ पे फिर से पासवर्ड डालना है, तो हमें डालते हैं। और फिर आपको यहाँ पे क्रिएट अ पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो ये हमारा हो गया है पासवर्ड। अब आप जब भी कंप्यूटर चालू करोगे तब आपको पासवर्ड आएगा, तो आपको उसमें पासवर्ड डालना है कि 1234। और फिर ये पासवर्ड को रिमूव करने के लिए हमको यहाँ पर जाना है और फिर क्लिक करना है। फिर यहाँ हमने जो पासवर्ड डाला था वो यहाँ पे डालना है 1234। तो हमने डाल दिया है। फिर यहाँ पर रिमूव पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो ये हमारा हो गया रिमूव पासवर्ड। तो हम ऐसे ही कंप्यूटर में पासवर्ड को क्रिएट और रिमूव कर सकते हैं। के संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं। के संग तेरे बादलों सा बादलों सा बादलों सा।